अकाल सलाम एंड नमस्कार। हम हैं आपके उसके दोस्त दिलप्रीत सिंह एंड वेलकम टू अनदर डे इन आवर लाइफ। आज मेरी बेबी नहीं है यहाँ पर, हमारी पैंथर भी नहीं है, हमारी कावासाकी नहीं है, मतलब हमारी ग्रीन गॉब्लिन भी नहीं है। आर लाइफ बोला देखो, ये मतलब कुछ तो है, मतलब बेब भी नहीं है, पैंथर भी नहीं है, ग्रीन गॉब्लिन भी नहीं है एंड हमारी जो री मतलब हमारी थंडरबर्ड है वो भी नहीं है। तो क्या है, कुछ नवा है, ऑब्वियस ही बात है एंड वेरी स्पेसिफिक टू बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा नवा है। मतलब बाय गॉड ग्रेस आज हमें ऐसा एक चांस मिला है कि हम कुछ नवी चीज़ लॉन्च हो रही है वो आपको दिखाएं, वो चलाएं, वो रखें, वो सब कुछ करें। क्या है आपको बताते हैं, तो चलो लेके चलते हैं आपको। अब हम मारेंगे यू टर्न एंड विल गो स्ट्रेट अवे इनटू द शोरूम। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me, they want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching. वो सिनेमैटिक शॉट्स हमने ले लिए हैं एंड हमने अंदर साइन वाइन भी कर दिया, सारे फॉर्म वगैरह। तो रॉयल एनफील्ड की बाइक है, ये आपको समझ आ गया, तो आज आपको दिखाते हैं बाइक कौन सी है। एंड मैं सब बताने वाला हूँ, बाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ग्रेट इज़ एंड बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड क्लासिक and this is 2021 or 2022 kilo 2021 kilo जो मर्जी kilo. This is the one, the reborn, इसको यहाँ पर टैगलाइन दी गई है, the reborn classic 350. बहुत ही प्यारी एंड बहुत टाइम बाद कुछ डिफरेंट करा है रॉयल एनफील्ड ने। पहले ये हमारा वाला कलर है जो हमें मिल रहा है, आई पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगा ये कलर, तो मैंने ये चूज़ किया है। मैं एक बार आपको बाकी दोनों कलर और दिखा देता हूँ। दिस इज़ द क्रोम एंड रेड वन, इसमें क्रोम है, रेड है एंड एक बहुत हॉट सी एक इसकी एक आउटलुक है, ठीक है। एंड द सेकंड कलर इज आई लाइक दैट मच बेटर देन दिस वन, इस कलर का मुझे बहुत प्यारा लगा है। तो दिस इज द न्यू एड ऑन टू द फैमिली, सबसे नवा कलर है। आई थिंक ये पहले आता नहीं है रॉयल एनफील्ड के उसमें, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज नहीं है रॉयल एनफील्ड के बारे में, लेकिन मतलब मैंने जितना देखा या मैंने रखी है तो मैं बता सकता हूँ कि ये कलर मैंने पहले नहीं देखा एंड दिस इज डैम ब्यूटीफुल कलर, बहुत प्यारा है। सो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दिस एंड दैट, ये लें वो लें। हमारे मैं सौरभ शूट कर रहा है, मास्किंग सौरभ, तो देखते हैं कौन सा कलर अभी यूज़ करते हैं, सारी ले लो। सो मैं आपको बता दूं कि जो भी बाइक्स हैं, जो बाइक यहाँ से पिक करेंगे आज, वो बाइक हमारे पास रहेगी एक हफ्ते तक। तो अगले कुछ जो ब्लॉग्स हैं वो हमारी सुपर बाइक्स पर नहीं होंगे, मतलब हमारी अपनी बाइक्स पर नहीं होंगे। एक दो ब्लॉग शूट करेंगे, इसके साथ कुछ रील्स बनाएंगे, वी विल जस्ट मेक समथिंग गुड कंटेंट। थोड़ा घुमाएंगे फिरेंगे ना आजकल, थोड़ा आजकल देखो ये चीज़ें सब अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये आप भी अफोर्ड कर सकते हो, आप भी ले सकते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ दिया जाए जो आप चला सको। तो लेट्स चूज़ द कलर फर्स्ट एंड वंस विल चूज़ द कलर, उसके बाद चलेंगे लेके यहाँ से। आज मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करने वाला, आई एम नॉट वेयरिंग माई हेलमेट, आई एम वेयरिंग द टर्बन, बट फिर भी सौरभ मार ले कुछ अच्छे शॉट्स निकालेगा। दर्श इज है, दर्श भी आ रहा है अभी, तो दे विल टेक आउट सम गुड शॉट्स, वो शॉट लेंगे। आज मैं कुछ अपना सेटअप साथ में कैरी नहीं कर रहा, गोप्रो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम पर गया था कहीं, वहीं से डायरेक्ट सीन बन गया एंड मैं यहाँ आ गया, तो बहुत बड़बड़ नहीं करेंगे अब एंड करते हैं, चूज़ करते हैं बाइक को। फाइनली हमने कर लिया है अपना कलर फाइनल जो मुझे पसंद आया है। तो एक बार दिखा लो सौरभ जी, कलर कौन सा है हमारे पास। तो मुझे ये कलर पसंद आया क्योंकि बहुत ही प्यारा मिल्ट्री ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर है, मैट कलर है, लुक्स वेरी कूल, बहुत प्यारी लग रही है भाई। अब कुछ दिन के लिए हमारे मेहमान है तो हम चलाएंगे इसको, हम इसको क्या करेंगे एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है कोई थोड़ा ट्रिप भी मारा है इसके ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 दिन के लिए अपने पास है। एंड मैं कोई बात और बता दूँ कि अभी चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर जो सेकेंड उसमें मैं इसको सारी बाइक के सारे फीचर्स बताऊँगा, क्या क्या अपग्रेड्स हैं वो बताऊँगा, बाइक का राइड फील कैसा है वो बताऊंगा। मतलब जो जो नॉलेज मुझे है, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई, अगर आप प्लान कर रहे हो ये बाइक लेने का, तो आई थिंक आपको ये वाला चैनल अभी की अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग। एंड उसके अलावा तो हमारी सुपर बाइक्स तो है ही है ना, मतलब वो तो संडे राइड का मज़ा एंड वो ड्रैग रेस एंड वो मतलब कंपेरिजन एंड एवरीथिंग वो सब कुछ मिलेगा, साथ साथ ये भी मिलेगी। ठीक है जी, और बड़ी बात नहीं है, अगर पसंद आ गई तो हो सकता है रख भी लें, मतलब ले ही लें, खरीद लेंगे अपने, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलता है, टेंशन नहीं है, लोकल चलाने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करने लगे हैं कि एक बार मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, आपको एक बार बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड उसके बाद मैं राइड करूँगा एंड सौरभ को शूट करेगा मेरे लिए आगे से, क्योंकि आज हम आई टोल्ड यू कि मैं अपना सेटअप नहीं पहन रखा, मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल कि मैं मोटो व्लॉगिंग कर पाऊँ। लेकिन मोटो व्लॉगिंग मिलेगी आपको कल के ब्लॉग में, मतलब कल जो ब्लॉग आएगा उसमें पक्का मिल जाएगी। एक बार सुनो इसका एग्जॉस्ट नोट, पहले जब दिखाओ स्टार्ट करके, बहुत डिफरेंट चीज़ उन्होंने करी है इसके साथ। टोटली जो फ्रंट का यहाँ बहुत अलग करा गया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर छोटा डिजिटल मीटर, उसमें आपको स्पेशली फ्यूल गेज दिया गया है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है इसके अंदर। यार ये बाइक चल चुकी है 198 किलोमीटर, जिनमें ये टेस्ट वेस्ट करते हैं, टेस्ट बाइक होती है ये। एंड ऑडियो दिखा रही है, आई डोंट थिंक तो ये शायद सिर्फ लोग के लिए है। यहाँ पर स्पीडोमीटर आ गया, बड़ा प्यारा बटन है ये देखो, ये यहाँ पर इग्निशन का किल हो गया, ये आपका इग्निशन ऑन हो गया एंड दिस इज सेल्फ। अभी फिलहाल मेरी गाड़ी बाइक गियर में है, सॉरी, दिस इज सेल्फ, ये सेल्फ मतलब बहुत प्यारा सेल्फ है। नीचे आ जाओ, एग्जॉस्ट नोट सुना दे रहा है। तो एग्जॉस्ट नोट जो है ना वो दुख दुख से धूम धूम हो गया, मतलब पहले से बहुत बेटर एग्जॉस्ट नोट। बाइक सच में मैं सोचता हूँ, मैंने अभी एक्सेलरेट करा। देखो मैं आपको पता है रेगुलर डेली यूज़ में अपनी रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ, थंडरबर्ड चलाता हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिफाइंड लग रही है बाइक। पहले से मुझे साउंड कम लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिव्यू मैं तभी दे पाऊँगा जब इस बाइक को भगाऊंगा। तो देखते हैं कहाँ टच करेगी इसको, तो साले आज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं।